जिला कांगड़ा में प्रारंभिक तौर पर सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कोविड टेस्ट करवाने के लिए भी प्लान तैयार किया गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि इसके साथ ही होटलों में तैनात कर्मचारियों के टेस्ट भी करवाए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के कोविड टेस्ट करवाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी स्तर पर कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति मिनी सचिवालय के कैबिनेट सभागार में जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। राकेश प्रजापति ने कहा कि कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने तथा आम जनमानस को जागरूक करने के लिए कांगड़ा जिला में 31 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डीसी ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए कांगड़ा जिला में प्रभावी ढंग से जागरूकता अभियान आरंभ किया जा रहा है। राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में आइसोलेशन किट्स भी तैयार की गई हैं। जिन व्यक्तियों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन लोगों को आइसोलेशन किट्स भी प्रदान की जाएंगी, जिसमें कोविड से बचाव के लिए सभी जानकारियों सहित ऑक्सीमीटर, आवश्यक दवाइयां इत्यादि प्रदान की जाएंगी। राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला के विभिन्न स्थानों पर कोविड 19 से बचाव को लेकर आवश्यक जानकारियां पोस्टर तथा फ्लेक्स के माध्यम से भी आम जनमानस तक पहुँचाई जाएंगी तथा प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, पूरे स्टेट में एक मैसिव आईसी कैंपेन लॉन्च किया गया है। कोरोना की जो कोरोना से संबंधित जो जानकारी है वो हम लोगों तक लेकर पहुँचे, इसके बारे में पूरा प्रयास किया जा रहा है और अगले 31 अक्टूबर तक एक मैसिव आईसी कैंपेन पूरे जिले में चलेगा। साथ ही आज एक पैकेट जो हमने बनाया है, जो हम होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को देंगे, उसकी भी लॉन्चिंग की गई है, जिसमें उनको क्या क्या दवाइयाँ चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑक्सीमीटर है, डॉक्टर्स के नंबर्स हैं, ये सारी जो पैकेट है अब जो भी हमारा होम आइसोलेटेड पेशेंट होगा उसको दिया जाएगा। मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि लोगों तक हम पहुँचना चाह रहे हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे और अगले 31 अक्टूबर तक गांव-गांव तक पहुंचेंगे, सारे सरकारी दफ्तरों तक पहुंचेंगे और जितनी भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं, एमसी में ऑलरेडी हमने शुरुआत कर दी है, नेशनल हाईवेज पे भी होर्डिंग्स, बैनर्स एटसेट्रा लगाए जाएंगे, ताकि एक मैसिव इन्फॉर्मेशन जो हम बार बार आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं उसको जन जन तक पहुँचाया जा सके। देखिए, अभी तक हम लोग लगभग 1200 के आसपास, हमारा जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 1200 के आसपास टेस्टिंग पर डे का हमने टारगेट रखा हुआ था। अब आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तरों में लोग काम कर रहे हैं, जितने हमारे होटल्स में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो स्कूल के बच्चे, टीचर्स, हम सब की टेस्टिंग कर सकें, इसके लिए एक शेड्यूल बनाया जा रहा है और अगले 10-15 दिनों तक हमारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उनको हम कैटर करेंगे और जिस दिन से स्कूल्स खुल जाएंगे उसके बाद हम हमारे जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे टीचर्स आ रहे हैं, उन सबकी भी टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ आपको पता है कि टूरिस्ट इनफ्लो हमारे ज़िले में काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए जितने भी लोग हमारे होटल्स में काम कर रहे हैं उनको भी हम टेस्ट कर सकें, उसका भी एक शेड्यूल बनाया जा रहा है। और देखिए, नवरात्र हैं, उसके बाद हमारा दशहरे का सेलिब्रेशन है, फिर दिवाली है, ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है जिला कांगड़ा में, क्योंकि जो हमारे नंबर्स हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पूरे स्टेट में नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुछ निर्णय हमारे तरफ से लिए गए हैं कि जो हमारे टेम्पल्स हैं वो अभी 5 से 7 खुल रहे थे, हमारी कोशिश रहेगी कि नवरात्रों के समय वो 24 घंटा खुलें, ताकि लोग आराम से आके दर्शन कर सकें बिना भीड़ भड़ाके के। और साथ ही एक दो और हमने निर्णय लिए हैं कि कहीं पे भी लंगर नहीं लगाया जाएगा और कहीं किसी भी मंदिर पे हवन नहीं किया जाएगा, और जैसा पीछे अभी दर्शन हो रहे हैं उसी प्रकार से दर्शन नवरात्रों में भी लोगों के करवाए जाएंगे। साथ ही जहाँ तक बात रही रामलीला की और दशहरा सेलिब्रेशन की, इसको लेकर सरकार से बातचीत की गई है, जब तक सरकार से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी प्रकार के रामलीला और दशहरा को कोई भी परमिशन इस वक्त नहीं है।